होता है देख के, सभी देश के नागरिक है और किसान ही है तो देश को चलाता है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं, हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ। 200 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, पहले भी 13 महीने चला था। जो मांगे सरकार ने बोला था कि मांगे जाएंगे वो अभी तक पूरी है, इसलिए आज जिस जगह लोग बैठे हैं 200 दिन पूरे हो गए। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक है और किसान ही है तो देश को चलाता है ना, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को ही दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम खुद हम ऐसी जगह से निकले, हम जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है, हमारी हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में सर, मैं जो चल रहा है उसका असर सीधा तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, जुड़ा हुआ मुद्दा है मुझे जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो गया है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको हर वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। क्यों नहीं देंगे? मैं खुद, मेरी माँ ने खुद किसान मतलब खेत में काम, मैंने खुद खेत में काम किया है। मैं ओलंपिक में बाद में गई हूँ, पहले मैंने खेतों में ही काम किया है ना। तो दुखी होता है यही देख के कि क्योंकि लोग ऐसे, कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठता है। हम भी दिल्ली में बैठे थे तो मजबूरी में ही बैठे थे, हर कोई मजबूरी में बैठता है ना। इनके पास खेत है, अपने काम कर सकते हैं। ये देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदारी हमारे किसानों की है, और वो अगर सड़क पे बैठते हैं तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज का। सर ये मैं इस चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ। आप लोग अगर इस चीज को घुमाओगे तो इनका जो लड़ाई है, इनका जो संघर्ष है, उसको आप बेकार करोगे। मेरे पे फोकस नहीं है आज, मेरे पे फोकस नहीं है आज, मेरे पे फोकस नहीं है आज, हमारे इस किसान कौन के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, बस मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। किस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। मेरे को बस एक ही पता है कि मेरा देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश के जो किसान है वो परेशान है, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए और सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इनका हल होना चाहिए।